अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा रोल नंबर 067। आज का मेरा टॉपिक है हाइपर स्केल डाटा सेंटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपर स्केल क्या होता है। हाइपर स्केल होता है कोई हाइपर स्केल एक मैथमेटिकल टर्म होती है जो कि कोई भी काम जब बड़े लेवल पर किया जाता है ना उसे हाइपर स्केल कहती है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब बड़े लेवल पर बनाई जाती है तो इसे हाइपर स्केल का जो स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी हाइपर स्केल है। और मज़ीद ये होता है कि हाइपर स्केल जो होता है ना, हाइपर स्केल की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें मज़ीद एडिशन की जाती है टाइम के साथ। जब भी कोई अपडेट आती है तो इसमें और एडिशन की जाती है। मतलब हाइपर स्केल जो होता है ना वो एक स्केल होता है, बिग लेवल पे एक स्केल होता है जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी को जो उनसे ना वो नापने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपर स्केल एबिलिटी ऑफ, जैसा कि डेफिनेशन देख लें, एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर इम्प्रूव एंड स्केल प्रॉपर्टी एज मोर डिमांड एज डेटम। जब कोई नई डिमांड आती है तो इसमें वो सिक्योरिटी, वो टेक्नोलॉजी मजीद ऐड हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। दिस इंक्लूड द अबिलिटी टू प्रोवाइड एंड ऐड मोर सोर्सेज टू सिस्टम दैट मेक अ बिगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क। ये जो उनसे होते हैं ना वो कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी टेक्नोलॉजी हो ना उसमें ना एडिशन करके तो उसे एक बहुत बड़े लेवल पर जो उनसे ना ले जाते हैं। नेक्स्ट डाटा सेंटर क्या होता है? डाटा सेंटर जब भी हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट एंटर करते हैं या कोई भी सर्च करते हैं, बेशक वो चाहे हम रात 2 बजे करें या 3 बजे करें, जब भी हम वो सर्च करते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वो फौरी तौर पे जो उनसे ना वो हमारी स्पीड ठीक इंटरनेट होगी तो वो फौरी तौर पर हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, ये कैसे होता है? ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो डाटा स्टोर किया जाता है, कहीं ना कहीं वो डाटा जो उनसे ना वो स्टोर किया जाता है जो कि हम जब भी एक्सेस करते हैं रात को 3 बजे या 2 बजे, किसी भी वक्त साल में किसी भी वक्त 365 बरस 24, जब भी हम जो उनसे ना ये एक्सेस डाटा करते हैं वो डाटा हमें एक्सेस हो जाता है। इसकी क्या वजह है? जाहिर है किसी लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर में तो हम ये डाटा सेव कर नहीं सकते, जो भी सर्वर होते हैं, ठीक है, जो भी ये मतलब जितनी वेबसाइटें हैं ये सारा डाटा जो उनसे ना वो सर्वर में स्टोर करती हैं। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर जो सा होता है, डाटा सेंटर की डेफिनेशन भी देख रहे हैं। डाटा सेंटर इन शॉर्ट इट इज अ डेडिकेटेड स्पेस और बिल्डिंग दैट हाउसेस एन एग्रीगेशन आईटी इक्विपमेंट सर्वर। ठीक है, डाटा सेंटर जो होता है ये ना मोस्टली सर्वर का जो होता है ना कम्बिनेशन होता है। डाटा सेंटर दी कंपनी कैन रन इट्स डाटा सेंटर सोर्सेज टू ऑपरेट इट्स बिजनेस और सर्व देयर। कोई भी कंपनी जो होती है ना वो अपना एक डाटा सेंटर बना सकती है। फॉर एग्जांपल गूगल का एक अपना डाटा सेंटर है, फेसबुक का अपना डाटा सेंटर है। आपने भी अगर कोई कंपनी न्यू ओपन की है या पुरानी कंपनी है, आप उसका जो है डाटा सेंटर ओपन कर सकते हैं और अपने इम्प्लाइज और वर्कर और अपने मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन डाटा जो होगा वो आप डाटा सेंटर में स्टोर कर सकते हैं। ये HBL बैंक को हो गया, ये जितने बैंक्स हैं, ठीक है, जितने नादरक ऑफिस हो गए, इनका सारा जो उनसे एक डाटा सेंटर होता है। ठीक है, एम्बेसीज हो गया, उसमें इनका सारा डाटा सेव किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है ना उस डाटा को एक्सेस किया जाता है। एक्सेस जो होती है वो डाटा की जो होती है ना वो पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। अगर तो वो डाटा को सिक्योरिटी आपने देनी है तो फिर आप उसको जो उनसे ना प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल नादरा का जो डाटा सिर्फ जो उनसे नादरा के एम्प्लॉइज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो डाटा को आप पब्लिक भी रख सकते हैं डाटा सेंटर में, जैसा कि या आपको वाइस GRW जो गुजरांवाला की बोर्ड की वेबसाइट है, आप उधर जाके ना अपना रोल नंबर एंटर करके तो अपना रिजल्ट कार्ड एक्सेस कर सकते हैं। अपना जो होता है रिजल्ट कार्ड वो एक्सेस कर सकता है। जो ये डाटा जो ये भी डाटा सेंटर में स्टोर होता है डाटा और वो पब्लिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वर। अब देखते हैं डाटा सेंटर में होता क्या है। ठीक है, डाटा सेंटर में ना सर्वर्स होती हैं, सर्वर्स मुख्तलिफ सर्वर, और एक सर्वर में जो है ना वो मुख्तलिफ हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ग्राफिक कार्ड होते हैं। ठीक है, मतलब समझ लें कि सर्वर एक खास टाइप का कंप्यूटर होता है जिसमें SSD की भी हार्ड डिस्क हो सकती है और HDD की भी हार्ड डिस्क हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि SSD की जो हार्ड डिस्क होती है उसकी ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है। इसी तरह अगर SSD की अगर हार्ड डिस्क लगी होगी डाटा सेंटर में सर्वर में तो वो जो ना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट रैक्स, मतलब सर्वर जो होते हैं ना वो सर्वर वो एक ना रैक में, मतलब एक डब्बा से बॉक्स जो होता है उसमें जो ना वो रखे जाते हैं। ठीक है, क्लोज फॉर एग्जाम्पल 10 हो सकते हैं एक रैक में, और ये रैक जब कंप्लीट रैक जब हो जाता है ना मुख्तलिफ रैक जो उनसे 1000 के तादाद में रैक बनते हैं। ठीक है, रैक को जो उनसे ना वो मजमू कम्बिनेशन करके डाटा सेंटर बनता है। ठीक है, ये डाटा सेंटर की डेफिनेशन है। डाटा सेंटर में मतलब डाटा स्टोर किया जाता है, किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे ना अपना डाटा स्टोर करती है और जब भी उसकी जरूरत हो तो वो एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डाटा सेंटर। और जो सा होता है डाटा सेंटर जो होता है ना इसकी सिक्योरिटी जो उनसे ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर।
हाइपरस्केल का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरस्केल जो होता है ना वो बिग लेवल पे जो चीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। डाटा सेंटर मैंने भी अभी आपको बता दिया। अब हाइपर स्केल डाटा सेंटर इसका कम्बिनेशन किया जाएगा, तो आप डेफिनेशन देख लें। हाइपर स्केल डाटा सेंटर और मैसिव बिजनेस क्रिटिकल फैसिलिटी डिजाइन टू एफिशिएंटली सपोर्ट रोबस्ट स्केलेबल एप्लीकेशन एंड आर ऑफन एसोसिएटेड विद बिग डाटा प्रोड्यूसिंग कंपनी। ये जो हाइपर स्केल होता है ना, हाइपर स्केल ये जो उनसे ना बड़े लेवल पे जो जितनी कंपनीज है ना जो बड़े लेवल पे होती हैं जो अपना डाटा स्टोर करती है ना वो हाइपर स्केल डाटा सेंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल है, अमेजोन है, फेसबुक है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब जो गूगल है ना ये इसमें जो उनसे ना करोड़ों की तादाद में वेबसाइट का डाटा सेव है, ठीक है। तो इनको ना इसके जो डाटा सेंटर होगा उसे हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहते हैं। हाइपर स्केल डाटा सेंटर मतलब जो बड़े लेवल पे डाटा सेंटर होते हैं उसे हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहते हैं। और जो होता है ना डाटा सेंटर में हाइपर स्केल डाटा सेंटर में होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक रैक होता है ना, जो एक रैक मतलब सर्वर का लगा होता है, वो एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी कोई भी कंपनी आपकी आप बेशक अपनी कंपनी बना लें वो खरीद लेती है उस रैक को और आगे जो उनसे ना प्रोवाइड करती है परचेज पैसे लेके ना पेड जो उनसे ना वो रैक आगे जो उनसे ना होस्टिंग प्रोवाइड करती है। आपने होस्टिंग का नाम सुना होगा कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है ना तो उसके लिए होस्टिंग चाहिए होती है, क्योंकि अगर जो हमारा लैपटॉप का डाटा होता है वो तो हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, लेकिन जो होस्टिंग इसलिए होती है कि आप जो डाटा रखे ना वो ऑनलाइन दूसरा भी बंदा एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट हमने बनाई है क्लॉथिंग की या कोई बिजनेस की वेबसाइट बनाई है, तो वो हमने वो जो ना उसमें ऐड करने होते हैं पोस्टर्स। जब हम पोस्टर ऐड करेंगे तो कोई भी बंदा जो ना कोई भी यूजर कस्टमर उसको जाके ना एक्सेस कर सकता है डाटा को, ठीक है हमारे को। तो उसके लिए हमें एक होस्टिंग चाहिए होती है। मतलब अगर वो रात 2 बजे भी निकाले रात 3 बजे भी निकाले तो हमारा डाटा जो ना वो शो हो, उसका हमारे लैपटॉप से कोई तलक ना हो, ठीक है। उसके लिए होस्टिंग जो ना वो परचेज करनी पड़ती है और वो होस्टिंग प्रोवाइडर हाइपरस्केल डाटा सेंटर में, वो होस्टिंग जो ना हाइपर डाटा सेंटर में जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं वो जो ना वो लेके देती हैं। डायरेक्ट नहीं हम हाइपरस्केल डाटा सेंटर से जो ना वो खरीद सकते, और जो होती है ना ये कंपनी ये यूजर को जो ना वो सर्विसेज देती हैं। नेक्स्ट है हाइपरस्केल डाटा सेंटर आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन इंटरप्राइज डाटा सेंटर। जो इंटरप्राइज डाटा सेंटर होता है नॉर्मल जो क्लाउड होता है इससे जो ना ये लार्जर टाइप पे होता है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि हाइपरस्केल जो ना वो लार्ज बड़े लेवल पे एक डाटा सेंटर होता है। एंड बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड कस्टम इंजीनियरिंग दे सिग्निफिकेंटली आउटपुट देम टू हाइपरस्केल जो होता है ना, हाइपरस्केल ऑपरेटर्स आर इंटरनेट सर्विसेस, ठीक है। जो ऑपरेटर होते हैं ना हाइपरस्केल में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को, सही हो गया। नेक्स्ट है जो मतलब सबसे बड़ा डाटा सेंटर है ना वो है रेंज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ग्रुप ने खरीदा हुआ डाटा सेंटर जो कि 6.3 मीटर स्क्वायर फीट पे जो है ना वो वाकई है। नॉट बाई एनी मीन्स एन ऑफिशियल डेफिनेशन हाइपरस्केल डाटा सेंटर शुड एक्सीड 5, मतलब कि जब भी एक डाटा सेंटर आपने बनाना है ना हाइपरस्केल डाटा सेंटर बनाना है तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना वो एटलीस्ट 5,000 सर्वर हो, ठीक है, और 10,000 स्क्वायर फीट उसकी जो है ना वो जगह हो, प्लेस हो। ये ज़्यादातर जो होते हैं ना हाइपरस्केल डाटा सेंटर ये ठंडे इलाके में बनाई जाती हैं जहाँ सर्दी होती है, 365 डेज जहाँ सर्दी होती है, 365/24 जहाँ सर्दी होती है ना उधर ये बनाए जाते हैं हाइपरस्केल, ताकि जो सर्वर लगे होते हैं कंप्यूटर लगे होते हैं वो हीट अप होते हैं ना जब, तो उसको कूल कर सकें। जो से डाटा सेंटर जो होता है ना वो समझ लें कि मतलब एक लोकल बंदे की रेंज से बाहर बनाया जाता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, पावर का भी ध्यान रखा जाता है, और उसमें जो है ना कॉस्ट भी बहुत लगती है, क्योंकि डाटा सेंटर पावर इशू, अगर कोई भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल गूगल से कोई वेबसाइट करते हैं तो अगर वो डाउन हो या कोई इस तरह को हो तो कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए जो उनसा होता है ना हाइपरस्केल डाटा सेंटर उसमें मस्ट जो है ना वो ऑलवेज 24 घंटे लाइट होनी चाहिए, वो सर्वर ऑन होने चाहिए, उसके इसलिए ये पावर का इशू आ जाता है, ठीक है, उसके लिए हाई कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, जाहिर है आपका डाटा एक जगह पे सेव है हाइपरस्केल, आपका डाटा जो है ना एक जगह पे सारा सेव है, तो उसके लिए जो सा सिक्योरिटी बहुत हाई चाहिए होती है कि आपका डाटा सेव रहे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हाइपरस्केल डाटा सेंटर जो होता है ना, फॉर एग्जांपल गूगल का डाटा सेंटर है ना उसके 21 जो है ना डाटा सेंटर हैं टोटल वर्ल्ड में। तो जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं ना तो वो एक क्वेश्चन आता है कि आप किस मतलब किस डाटा सेंटर कौन से जो ब्रांच है उससे डाटा सेंटर से आपका डाटा आ रहा होता है। इसका जवाब ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब से कोई चीज़ एक्सेस करते हैं ना तो जो नियरली जो होता है ना नियरली हाइपरस्केल डाटा सेंटर जो होता है गूगल का उधर से वो जो उनसे ना वो डाटा आपको करके देते गेट करके देता है। ये था हाइपरस्केल डाटा सेंटर। नेक्स्ट जो उनसे वो जाहिद हो